दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल तो काफी पहले आ गया था, लेकिन भाई पाकिस्तान की टीम का रोना चालू था, जहां पर भाई वो मना कर रही थी कि हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर नहीं आएंगे। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर आई है वो इंडिया पाकिस्तान मुकाबले को लेकर, ये भाई 15 अक्टूबर को ये मुकाबला होने वाला था, लेकिन अब एक और बड़ी अपडेट इस मुकाबले को लेकर। आपका इंतजार थोड़ा सा कम हुआ इस मुकाबले का, आपको 15 अक्टूबर संडे को नहीं, आपको 14 अक्टूबर शनिवार को ये मुकाबला देखने को मिलेगा। भाई रीजन क्या है? भाई रीजन इस मुकाबले के पीछे ये है कि जो भाई नवरात्रे हैं, नवरात्रे संडे को पहला दिन होना था, जिसकी वजह से भाई काफी ज्यादा सिक्योरिटी के रीजंस बढ़ गए थे। और भाई यहां पर गुजरात की इतनी भी भाई सिक्योरिटी पुलिस है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि भाई हम इतनी फोर्स नहीं दे सकते कि हम आपके नवरात्रे भी संभाल ले और इंडिया पाकिस्तान का जो मेगा इवेंट है, मेजर इवेंट है, उसको भी कवर कर ले। तो भाई आपसे अनुरोध है कि या तो आप एक दिन बाद करा लीजिए, अगर आपको सेम डे रखना है तो भाई आप वेन्यू चेंज करा लीजिए। भाई बीसीसीआई ने कहा कि ठीक है, हम वेन्यू तो सेम करेंगे लेकिन हम एक दिन पहले मुकाबला करा लेंगे, यानी कि आपको 14 अक्टूबर को आपको मुकाबला देखने को मिलेगा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, बड़ा मुकाबला। जो उसके अलावा जो दूसरी चीज थी, जो कि पाकिस्तान यहां पर रोना अपना गा रहा था कि हम अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे, हमें थोड़े सिक्योरिटी रीजन है, हमारी सिक्योरिटी दिक्कत है, हमें अनसेफ है, ये वो फलाना, तो भाई ये सब चीज खारिज हो चुकी है, आपको अहमदाबाद के अंदर ही आना पड़ेगा, अपना मुकाबला खेलना पड़ेगा। तो भाई फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट, 14 अक्टूबर को मुकाबला होने वाला है, एक दिन पहले। आप सबको मुबारकबाद और फिलहाल इस वीडियो में।